हाँ जी खड़े होके बताओ। भारत की राजधानी की तिजोरी अभी खाली हो गई है। भारत की राजधानी की तिजोरी अभी खाली हो गई है। भारत की राजधानी की तिजोरी खाली हो गई। लोन कौन लेता है? जो भरा पूरा होता है, जिसकी तिजोरी भरी हुई होगी वो लोन लेगा, या जिसकी तिजोरी खाली हो जाती है वो लोन लेता है? है खाली हो जाती है, खाली हो जाती है तो दूसरों से लोन लेते हैं। आगे जहाँ अभी चूहे दौड़ रहे हैं, जहाँ अभी चूहे दौड़ रहे हैं, चूहे दौड़ रहे हैं माना भरपूर खाने पीने को नहीं मिलता है, एक अर्धता खाना पीना होता है और एक बेअर्धता खाना पीना होता है। तो जिसकी तिजोरी भरी पूरी होगी उसको बेअर्धता भोजन ज्यादा मिलेगा, या जिसकी तिजोरी खाली होगी उसको बेअर्धता भोजन ज्यादा मिलेगा? है जिसके ज्ञान की तिजोरी भरी पूरी होगी ज्ञान रत्नों से, तो मन सदैव खुश रहेगा या ना खुश रहेगा? खुश रहेगा। पेट में चूहे दौड़ना एक मुहावरा है, माना खाली पेट है, भूख ज्यादा लगी है, भूख की पूर्ति नहीं हो रही है। और वो बात दुनिया में भी लागू हो रही है, दुनिया भी भारतवासियों के लिए भी लागू हो रही है, बेसिक में भी लागू हो रही है और एडवांस वालों में भी लागू हो रही है। और जोर से बोलो भाई। वो भी अपने वो भी साकार में निराकार को याद करता है, तभी वो नारायण बनता है। हाँ तो वो मतलब वो कैसे भी जानता है, मतलब वो अपने मतलब जो कौन सा साकार है जिसके अंदर परमात्मा आता है? कौन नहीं जानता है? भारत नहीं जानता है। हाँ एक बार बोला था, मतलब भारत नहीं सॉरी जो यादवों का हेड के बारे में बोला, यादवों के जो हेड हैं वो भारतवासी हैं या विदेशी हैं? वो समंदर के बीच में रहने वाले यादव हैं या भारत की धरणी में रहने वाले हैं? देखिए वो स्वरूप एक ही है, भारत स्वरूप तो एक, पर्सनालिटी तो एक ही है, आत्मा एक ही है। पर्सनालिटी हाँ पर्सनालिटी तो एक ही है ना, लेकिन आत्मा आत्मा अलग अलग है। कोई विदेशी संस्कृति को फॉलो करने वाले हैं तो उन्हें विदेशी कहेंगे या स्वदेशी कहेंगे? हैं कृष्ण और राम दो आत्माएं हैं, उनमें भारतीय संस्कृति को फॉलो करने वाली आत्मा कौन सी है और विदेशी संस्कृति को फॉलो करने वाली आत्मा कौन है? और बाबा अगर कोई क्लास में यहाँ माँ की बातें करते हैं या शोर मचाते हैं तो उनकी क्या छुट्टी? वो क्लास में आते तो इसलिए है कि हम राजा बने राजयोग सीख करके, लेकिन काम उल्टे करते हैं तो उनकी राजाई में भी ऐसे ही हलचल होती रहेगी, तख्ता पलटते रहेंगे लोग। तो कैसी राजाई चाहिए? है
शांति से चलने वाली राजाई चाहिए या तख्ता उलट करने वाली राजाई चाहिए? शांति वाली चाहिए। बाबा, जब गंगा के पुत्र होते थे तो वह अपने पुत्र को गंगा नदी में क्यों मारे? हाँ, क्योंकि कृष्ण के जो सात भाई थे, उन सात भाइयों को क्या किया कंस ने? मारा। वो सात भाई प्रवृत्ति मार्ग के पक्के हैं या निवृत्ति मार्ग वाले थे? हैं? कौन थे? हैं? निवृत्ति मार्ग वाले नारायण थे, जो द्वापर और कलयुग में दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो तुम क्या चाहते हो, प्रवृत्ति मार्ग बना रहे या मर जाए? प्रवृत्ति मार्ग बना रहे, और बाकी जितने सन्यासी हैं वो सब हलास हो जाए कि बने रहे? हलास। तो अच्छा हुआ ना, गंगा ने अपने पुत्रों को मार डाला, तो प्रवृत्ति मार्ग को नहीं अपनाते थे। गंगा प्रवृत्ति मार्ग वाली थी या निवृत्ति मार्ग वाली थी? है, सदा प्रवृत्ति मार्ग वाली थी या कभी कभी थी? ब्रह्मा के कमंडल में रहती थी तो प्रवृत्ति मार्ग वाली थी या निवृत्ति मार्ग वाली थी? हाँ, जब जटा में आई तो प्रवृत्ति मार्ग वाली। बाबा, सिखों में कहते हैं हुक्मी हुक्म चलाए रहा है, इसका बेहद में क्या मतलब है? सत्ता तेरी सत्ता के बिना हिल नहीं सकता, ऐसे कहते हैं ना। सत्ता भी हिल सकता नहीं सत्ता तेरी के बिना। जिसकी सत्ता होती है वही हुक्म चलाता है। अभी संगम युग में किसकी सत्ता होती है? संगम युग में अंत तक किसकी सत्ता काबिज हो जाएगी? है, एक शिव बाबा। बाबा, जो पृथ्वी है, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। बाबा ने एक बार तो आपने बताया है कि जब विनाश होगा चंद्रमा आकर के पृथ्वी में मिलेगा, और जो जो उसकी दूरी टेढ़ी है जिसके कारण से उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव में छह महीने के दिन छह महीने का रात होता है, छह महीने का दिन और छह महीने की रात होती है। तो जब वो उसमें मिलेगा, हलचल होगी उसमें, दूरी टेढ़ी ना हो, दूरी सीधी हो, तो रात दिन नहीं होंगे? नहीं होता होगा। बाबा ने कहा कि जो है जो उत्तरी ध्रुव है उसका पॉइंट भारत पे आ जाएगा। पॉइंट जो है भारत पे आ जाएगा, माना कि जो सदा दिन दिन रहने की जो बात है ना, वो कैसे लागू होगी कि जो पॉइंट है जो उत्तरी ध्रुव का वो भारत पे स्थित हो जाएगा, माना एक पॉइंट भारत पे और एक पॉइंट नीचे दक्षिण। उसी हिसाब से जो देखा जाएगा तो उसी हिसाब से पृथ्वी की धुरी अभी झुकी हुई है और अपनी जगह पे पृथ्वी घूम रही है, तो सूर्य तो अपनी जगह पर स्थिर है ना। तो जब सूर्य अपनी जगह पर है, धुरी झुकी हुई है, तो ये हिस्सा दूर हो गया ना, वो तो बात, और ये हिस्सा नजदीक हो गया, वो तो समझ में। अच्छा, और वहाँ धुरी झुकी हुई नहीं होगी, सीधी होगी, और भारत यहाँ पर है। तो वहाँ पे वो तिरछी किरने पड़ेगी, तो है तिरछी किरने पड़ेगी तो सर्दी ज्यादा। क्या पड़ेगी? किरने तिरछी पड़ेगी ना, सूर्य की किरने जो है ना, किरने वो तिरछी पड़ेगा ना, तो तीखी किरने चाहते हैं स्वर्ग में। स्वर्ग में गर्मी चाहते हैं क्या? नहीं चाहते ना, माना ठंड जैसा मौसम। हाँ, सदा बाहर मौसम होगा। और बाबा, काली के पैर के नीचे शंकर को लेटा हुआ दिखाया, उसका बेहद मारते जो गाय लात मारती है लेकिन दूध बहुत देती है, तो उसकी लात सहन कर लेना चाहिए कि नहीं? है, तो ऐसे ही महाकाली है, शंकर जी का सारा काम कर देती है,
ब्रह्मा विष्णु शंकर तीन है ना, उनके अपने अपने काम बटे हुए हैं। शंकर का काम क्या है? हैं? विनाश करना, संहार करना। और वो संहार करने का प्रैक्टिकल काम कौन करती है? हैं? पृथ्वी करती है। बड़े बड़े भूकंप आते हैं और दुनिया का खलासा हो जाता है। और कार्तिकी का बाण मोर को दिखाया है। कृष्ण को कौन सा पंख ताज के रूप में दिखाते हैं? है मोर पंख दिखाते हैं। तो मोर पंख का मोर के रूप में पार्ट बजाने वाली जो आत्मा है, पवित्रता का विशेष पार्ट बजाने वाली मोर के पूंछ वाली आत्मा है, वो उसके अंडर में आ जाती है तो सवारी हो जाती है। बाबा पार्वती के सिर पर ताज दिखाते हैं लेकिन शंकर की जटाई दिखाते हैं, ऐसा क्यों? पार्वती के सिर पर ताज दिखाते हैं हाँ, लेकिन शंकर की सिर्फ जटाई दिखाते हैं। हाँ ज्ञान की जटा है उनके पास, पार्वती को ज्ञान की जटा नहीं है लेकिन धारण किया हुआ है ज्ञान। तो धारण जब ज्ञान किया हुआ है तो उसके बदले उनको ताज दिखाया जाए। और विष्णु के ऊपर जो चक्र है वो क्यों दिखाया गया? विष्णु के ऊपर जो चक्र है हाथ में, हाथ में चक्र क्यों दिखाया गया है? क्योंकि वो अपनी आत्मा का 84 का चक्र उन्होंने सबसे जास्ती घुमाया है। चारों युगों में हमारी आत्मा कैसे कैसे पार्ट बजाती है वो सारा मनन चिंतन मंथन विष्णु ने सबसे ज्यादा किया। है चारों युगों में पार्ट बजाता है ना। और बाबा बिरला का अर्थ क्या है? बिरला का अर्थ क्या है? वी माना विशेष, मला और ती माना विपरीत, और मल माने गंध, जो गंध के विपरीत है माने सुगंध है उसका नाम है मला। और बाबा नाम को बाप भी कहा है, को सुंदर भी कहा है, बाबा नाम को बाप भी कहा है, राम को सुंदर भी कहा है, राम को बाप भी कहा है और शंकर भी कहा है, शंकर भी कहा है। अरे शंकर है वही तो विश्व का विश्वनाथ है, विश्व का पिता है, इसलिए बाप भी है और विश्वनाथ भी है, विश्व पिता भी। हनुमान जी ने पवित्रता धारण की है इसलिए उनकी पूजा होती है, पूजा का आधार पवित्रता है। देवताओं के सर पर ताज दिखाते हैं, हाँ वही पवित्रता का ताज, ज्ञान का चक्र घूमता है तो पवित्रता के आधार को घूमता है, जिसमें पवित्रता होगी बुद्धि में उसी का ज्ञान का चक्र चलेगा, अगर बुद्धि में पवित्रता नहीं होगी गंध भरी हुई होगी अपवित्र बुद्धि होगी तो ज्ञान बुद्धि से उड़ जाता है। और बाबा राम बाप है तो उसने शादी क्यों है? तो तुम बच्चे पैदा कहां से होते हैं?
जो अव्यक्तवाणी में दिखाया कि ब्रह्मा की सोच चली गई थी अभी है, थोड़ा टाइम पहले ब्रह्मा की सोच अव्यक्तवाणी में है? चली गई थी हाँ। तो ऐसा क्यों हुआ था? जिसको डबल पार्ट बजाना है तो वो आना जाना करेगा कि नहीं करेगा? गुलजार दादी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण कोई रहता है या नहीं है? कौन है गुलजार दादी? तो टेम्परेरी है, और मुकर्रर से भी कोई है कि नहीं है? जो आज से लेकर अंत तक पार्ट बजाता है, तो जो मुकर्रर रहता है उसका साथ ब्रह्मा की सोल को देना है या नहीं देना है? तो आती है और चली जाती है। बाबा शिव जयंती और महाशिवरात्रि का स्थान कौन सा है जहाँ मनावेंगे? शिव जयंती ब्रह्मा कुमार कुमारियां मनाते हैं बोलते हैं, या भारत के अंदर भक्ति मार्ग वाले बोलते हैं, शास्त्र बोलते हैं? शास्त्रों में कहीं शिव जयंती शब्द आया है? नहीं नहीं आया। जो अज्ञानी है वो शिव जयंती बोलते हैं। जयंती माने जय जयकार अंत में, तो जयंती साकार की होती है या बिंदी निराकार की होती है? तो साकार है ही नहीं तो जयंती काय की? तो त्रिमूर्ति शिव जयंती मनावेंगे तो? ये कौन बोल रहा है? ये वाक्य किसके हैं? बाबा के महावाक्य। वो ब्रह्मा बाबा एडवांस पार्टी के एडवांस ज्ञान को जानते हैं या अनजान हैं? और बाबा सत्य शिवम सुंदरम का अर्थ क्या है? वो सत्य भी है, सच्चा ज्ञान सुनाता है, और सब झूठा ज्ञान सुनाते हैं दुनिया में। सत्य भी है और कल्याणकारी भी। कोई सच्ची बात बोले लेकिन कल्याणकारी ना बोले तो उसे ईश्वर कहेंगे, भगवान कहेंगे? है भगवान कल्याणकारी भी है तो सच्चा भी है, और कल्याणकारी भी है सच्चा भी है तो वो ही सुंदर होगा या कोई दूसरा सुंदर होगा? तीनों आपस में अरस परस हैं। सोनी माने सच्चा, और पत मेरी पत राखो गिरधारी, मेरी लाज रख लो है, तो सच्ची पत है सोनी पत वालों की। और बाबा त्रेता युग में जहाँ पर रहा जाता था है, त्रेता युग में जहाँ पर राम रहता था तो उसका नाम अयोध्या पड़ा, तो बाबा ये अयोध्या नाम की साधन राम त्रेता युग में रहता ही नहीं था, ये किसने बताया तुमको? हैं? ये राम और ये कृष्ण और ये कंस ये रावण ये संगम युग के हैं या सतयुग त्रेता के हैं? बोलता कहीं नहीं। हाँ जो मरणावस्था वाली बात आई है, मरणावस्था वाली बात आई है अवस्था में, वर्णावस्था और सारी शास्त्रों में बातें कब की है? संगम की बात है। नहीं बाबा अव्यक्तवाणी में जो बात आई है ना, क्या बाबा का जो रथ है वो मरणावस्था में आई? मरणासन्न अवस्था में। मरणासन्न का मतलब है कि सबकी बुद्धि में बैठ गया, वो मर गया, गया क्या? तो वो जो मर गया उसको अकाल मूर्त कहेंगे है? नहीं, मर गया वो अकाल मूर्त कैसे हुए? कालों का काल महाकाल, जिसको कोई काल खा नहीं सकता, तो उसके लिए समझ लिया कि अब तो मरणासन्न है, अब तो खलास हो जाएगा।
अभी ये संस्था कैसी चलेगी? वास्तव में बाबा अस्पताल में थे। अब बाबा गए कि नहीं गए तुम्हारी बात का अर्थ बताया। बाबा मदालसा का अर्थ क्या होता है? मदालसा मद, मद किसे कहते हैं? अहंकार। आलस, जहाँ मद होगा वहाँ आलस भी होगा। बाबा एक जुग सौ को हराती है, क्या है? एक झूठ सौ को हराती है। एक झूठ, एक सच, जो झूठ जो प्रेरणा सौ को हराता है। ये कान खोलना पड़ेंगे आप मोबाइल से। हाँ बोलो। है एक एक सच, एक चुप। ये दुनिया की कहावत है क्या? और लागू बेहद में भी हो जाती है। अगर कोई लगातार याद में ही रहे कोई की कोई बात का, कोई प्रश्न का जवाब न दे, तो याद में रहने वाला, चुप रहने वाला, वो सफलता को प्राप्त करेगा या नहीं करेगा? है सफलता को प्राप्त करेगा। जब सफलता को प्राप्त करेगा तो सौ सौ झूठे सामने आ जाए उनको भी जवाब हरा दे। और दुनिया में 500-700 करोड़ मनुष्य हैं, सब झूठे हैं कि कोई कोई सच्चे भी हैं? है सब झूठे हैं। अच्छा एक सच्चा है या नहीं? जब एक सच्चा है तो उसका सामना करने वाले रावण की तरह सर उठाने वाले कितने भी सर निकल पड़े। रावण के लिए क्या गायन है? उससे नए नए सिर निकल आते थे, एक सर कटता था और दूसरा सर निकल आता था, दूसरा कटता था तीसरा निकल आता था, वो सिर कभी हलाक खत्म नहीं होते। राम की बाण सब सिरों को काटती रहती है। ये बात कहां की है? राम के बाण में सच्चाई थी या कृष्ण के बाण में सच्चाई थी? राम के बाण में सच्चाई। तो ये कहावत पड़ गई कि सत्य बोलने वाला एक क्यों न हो और झूठ बोलने वाले सौ सौ हजार हजारों क्यों न हो, वो सबको सबको हरा दे। हाँ पूछ काहे की निशानी है? देवान की निशानी है। और देवधान में से कौन कौन से विकार पैदा होते हैं? पांचों विकार पैदा होते हैं, लेकिन पांचों विकारों में से मूल विकार कौन सा है? काम विकार। और मूल को भी पूछे दिखाते हैं और गेंडा को भी पूछ दिखाते हैं। सुंदर पूछ किसकी होती है? मोर की सुंदर पूछ होती है। और मुलायम किसकी होती है? मुलायम पूछ मोर की होती है और गेंडा की पूछ बहुत कड़क होती है। तो ये काम विकार की निशानी दिखाई है। जैसे शंकर जी को पांच सर्प दिखाते हैं कमर में काम विकार का, दोनों हाथों में क्रोध और लोभ का, गले में मोह का और सर के ऊपर अहंकार का,
वो सबका बाप है ना, है कि कामियों का ही बाप है, है अहंकारियों का भी बाप है। तो जो कमर में पूछ दिखाई गई है वो काम विकार की निशानी है। हनुमान को पूछ दिखाई गई, लेकिन वो पूछ है ब्रह्मचारी की है या विकारी की है? है ब्रह्मचारी की है। जो भी चित्र दिखाए जाते हैं, चित्रों में जो भी चित्रण किया जाता है वो संपूर्ण अवस्था का किया जाता है या अपूर्ण अवस्था का किया जाता है? संपूर्ण अवस्था का। तो हनुमान के रूप में पार्ट बजाने वाली जो आत्मा है वो जब संपूर्ण बन जाती है तो संपूर्ण होने पर उसकी पूंछ में रावण संप्रदाय वाले रावण जो है वो आग लगा देते हैं। कहते हैं ढेर सारे वस्त्र, अच्छे अच्छे वस्त्र जितने भी लंका में थे वो सारे वस्त्र हनुमान की पूंछ में बांध दिए। अब वस्त्र माना क्या, कपड़ा माना क्या? कपड़ा माने शरीर रूपी कपड़े। जो भी सुंदर सुंदर कपड़े थे वो दे अभिमानी रावण के राज्य में सारे कपड़े चुन चुन करके उसकी पूंछ में बांधे गए और तेल डाल दिया भिगोने के लिए। क्या नहीं डाला? तेल बोल पट बांध कर पाप का देव लगाए, तेल से वो कपड़े डुबो दिए गए। तो आग जोर से लगेगी या कब लगेगी? जोर से आग। बातें काम की कैसे? हनुमान कौन है? ब्रह्मा बाबा। अभी अपूर्ण है या संपूर्ण है? अभी तो अपूर्ण है। अपूर्ण है तो काम विकार की पूंछ काम करती होगी या नहीं? है किसके शरीर के द्वारा काम करेगी? है धीरे से कहीं के लिए बोलते हो? कोई चोरी है क्या? है खुला खेल तरक्काबादी है? बोलो है? राम के शरीर? हाँ राम और कृष्ण ये दो साथी हैं। जैसे कहते हैं बाप दादा, तो बाप दादा एक शरीर है दो आत्माएं, ऐसे ही राम कृष्ण की आत्माएं भी शरीर एक है और आत्माएं पार्टधारी अलग अलग है। तो वो आत्मा उस शरीर के द्वारा हनुमान का भी पार्ट बजाती है। हनुमान का पार्ट बजाती है तो ये दुनिया रावण की लंका है या राम की राजधानी है? ये सारी दुनिया रावण की लंका है। इस रावण की लंका में बड़े बड़े देहाभिमानी सांढे पड़े हुए हैं। उन देह अभिमानियों को देह अभिमान आता है या नहीं आता है? आता है। सबसे ज्यादा देह अभिमान लोकलाज का आता है या ज्ञान का आता है? कौन सी लोकलाज? ज्ञान में चलने वाले भी बहुत ऐसे हैं जिनको लोकलाज बहुत सताती है। हरेक के घर में सुंदर वस्त्र होते ही है। कौन से सुंदर वस्त्र होते हैं जिनकी बहुत संभाल की जाती है? कन्याएं होती की जहां है वहां सुंदरता है। तो जो देह अभिमानी सांडे हैं जब उनके ऊपर ये व्यथा पड़ती है
ईश्वरीय ज्ञान संसार में फैलता है और ऐसे व्यक्तित्व के द्वारा फैलता है जिसमें हनुमान की पूंछ भी काम करती है और वो बात चारों तरफ फैलती है। तो जो बड़े बड़े हैं मठाधीश पीठाधीश बड़े बड़े कुर्सियों पर बैठने वाले बड़े बड़े मल्टी मिलियनायर्स उनकी कन्याओं की बुद्धि में वो बात पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी? ज्ञान की सच्चाई उनकी बुद्धि में पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी? और उनके माँ बाप उनको परमिशन देंगे है? नहीं देंगे। मान मर्तव्य में आएंगे या नहीं आएंगे? अहंकार में आएंगे या नहीं आएंगे? अहंकार में आते। तो रावण की लंका में जितने थे अभिमानी सांधे हैं उनके घरों में जो भी अच्छे अच्छे वस्त्र हैं वो सारे खिंच करके हनुमान की पूंछ में लपेट जाते और उसमें तेल डाल दिया जाता है। तेल क्या चीज? ज्ञान का। तेल में और घी में क्या फर्क है? सस्ती चीज कौन सी है और कॉस्टली चीज कौन सी है? घी। जब ज्ञान सुनाते हैं एडवांस तो बहुत तेरे सुनाने वाले ऐसे लोग हैं वो सिर्फ उसी बात को ज्यादा पकड़ेंगे ज्ञान सुनाते कि शंकर का पाठ ऐसा है शंकर का पाठ वैसा है। जो ब्रह्मा कुमारी है ग्लानी सुनाती है और वो काम विकार की ग्लानी 500 करोड़ में से सबके अंदर है। कोई ऐसा है जिसके अंदर नहीं है? है सबके अंदर है लेकिन ग्लानी करने वाला एक को पकड़ लेगा और उसकी ग्लानी सुनाता रहेगा। तो हनुमान की ग्लानी चारों तरफ फैलती है और वो ग्लानी होते होते सुंदर सुंदर वस्त्रों के पास पहुंचती है या नहीं पहुंचती है? है पहुंचती है। और ये भी बात पहुंचती है कि कृष्ण को जो वो दिखाया गया मोर कुछ काई के रूप में है ताज के रूप में है तो ताज है लेकिन पूंछ है किसकी पूंछ है? कैंटी की पूंछ है। नहीं तो जो काम विकार की पूंछ होती है पुरुषों को वो मारने वाली होती है या मुलायम होती है? मार मारने वाली होती है या मुलायम होती है? मार मारने वाली होती है। जब वो विकार आता है तब उनकी बुद्धि में ये नहीं रहता किसी को दुख देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? है नहीं देना चाहिए। ये बात बुद्धि से उड़ जाती है। कार्य जो करते हैं इंद्रियों से लेकिन विपरीत विकार करते हैं या सुंदर कार्य करते हैं? है विकार करते हैं विपरीत कार्य करते हैं। कोई भी इंद्रिय से कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे दूसरे को दुख पैदा हो जाए। थोड़ा दुख हो या ज्यादा दुख हो अगर ऐसा कोई दुख का कार्य करते हैं तो उसकी सजा जरूर मिलती है। अब ये सारी बातें उड़ते 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 रावण के घर में भी पहुंचती हैं। तो जो कन्या माताएं सुनती हैं उनकी बुद्धि में ये बात दौड़ती है दुनिया में सबसे जास्ती दुख किस विकार के आधार पर पड़ रहा है? काम विकार के आधार। आधीन किसलिए बनाते हैं? कौन से विकार के आधार पर कन्या माताओं को आधीन बनाया जाता है? काम विकार के आधार। तो जब ये सच्चाई पहुंचती है तो वो ढेर के ढेर वस्त्र हनुमान की पूंछ में आकर के गिरते हैं। उसे सरेंडर होना कह लो। और लौकिक व्यवहार में एक बात बनाई है हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग और लंका सारी जर गई गए निशाचर।
माना वो वस्त्रों में आग लगी, तेल में आग लगी, लेकिन पूंछ में कोई असर नहीं, पूंछ में आग नहीं लग पाई, काम बिगाड़ गई। वो दिखाते हैं कि समंदर में जाकर के उन्होंने पूंछ को डुबो दिया। समंदर माने ज्ञान का सागर, तो ज्ञान के सागर में पूंछ में ठंडाक आ जाती है। वैसे भी बाबा बोलते हैं योग से कर्मेंद्रियां कैसी होती जा रही हो जाती है, शीतल हो। तो है ये बड़ा लंबा चौड़ा अर्थ, रामायण में एक दो चौपाई के रूप में बोल दिए, बोलने वाले कवि ने तो बोला, जिस समय बोला था उनकी बुद्धि में ये बात रही होगी है नहीं रही। किसने बुलवाया? टाइम पर बुलवाया। कवि जो है कविता करता है, लेकिन कविता के भाव को कवि समझता है, लेकिन कवि से भी ज्यादा कौन समझता है? रवि समझता है। इसलिए कहावत है कैसा समझे कवि और क्या समझे रवि। बाबा मीनर पूछ देते हैं। अरे तू पूछता ही जाता है कि समझता भी है कुछ? अष्टावक्र गीता के स्वरूप में लिखा है, एक ही बंधन है, तू अपने को छोड़ दूसरे को दृष्टा देखता है, अपने को छोड़ दूसरे को दृष्टा देखता है, और एक ही रास्ता है जो अपने को दृष्टा जान। इसका बेहद समझ में आया? जी नहीं आया, इनके ही समझ में नहीं आया, हमारी समझ में नहीं। अष्टावक्र गीता के एक श्लोक का अर्थ है, एक ही बंधन है जो तू अपने को छोड़ दूसरे को दृष्टा देखता है। अपने को छोड़ दूसरे को दृष्टा देखता है, दूसरे को देखता है, दूसरे को देखता है दृष्टा, अपने को नहीं देखता। एक ही रास्ता है हाँ, जो तुम अपने को दृष्टा जान, अपने को दृष्टा जान। और सीधी सीधी बात समझाओ, बोलो तब फिर बताए। बाबा उनका ये कहना है कि तू दूसरे को दृष्टा मान, दूसरों को पति देखता है हाँ, अपने को देखना चाहिए पहले। बना वो तो हनुमान जी की बात को सपोर्ट करके बोल रहे हैं। सृष्टि का आदि पुरुष है आदम और हव्वा, इसका बेहद महत्व है। क्या पूछना है इसने? आदम माने आदमी है पहला, और हव्वा माने उसके साथ हव्वा भी है। हव्वा माने भयंकर, कौन है हुआ? जगत पिता है, जगत पिता के साथ जगदम्बा भी है, वो जगदम्बा ये हुआ है। बाबा ये एक ही बंधन है जो अपने को छोड़ दूसरे को दृष्टा देखता है, और एक ही मुक्ति है जो अपने को दृष्टा जान या साक्षी जान। हाँ इसका बेहद का ऐश्वर्य, आत्मा ही तो साक्षी है। काम विकार का ही तो बंधन है, जो सारी दुनिया को, सारे कीड़े मकोड़ों को, सारे पशु पक्षियों को लगा हुआ है। बाबा कंचन काया मुझे ज्ञान की इच्छा से अंत करना पड़ेगा, और बाहर की दुनिया में जाकर दूसरी दुनिया की इच्छा से अंत करना पड़ेगा। दोनों दुनिया में भी हो सकते हैं, बाहर की दुनिया हमारे कान में तो आवाज नहीं आ रही, इनके कान में भी नहीं आ रही। यहाँ आई तो मुझे ज्ञान की हिसाब से हट करना।
हाथ तो उठा दो कम से कम। अच्छा पीछे से बोल रहे हैं। हाँ मैं यहाँ आई तो मुझे ज्ञान की सबसे पड़ेगा और बाहर की दुनिया में जाकर दूसरी दुनिया की हिसाब से एक्ट करना पड़ेगा। तब तो दोनों दुनिया में भी रह सकते हैं, बाहर जाकर जैसे भी रह सकते तो सब आप नहीं बनेगा। बाबा वो कह रहे हैं कि मैं यहाँ आई तो यहाँ आकर ज्ञान का अर्थ करना, ज्ञान से हर बात का अर्थ, ज्ञान के हिसाब से अर्थ करना पड़ेगा हर बात का। फिर वो कह रही कि मैं जब बाहर की दुनिया में जाऊँ तो हर चीज का बाहर की दुनिया में भी बाहर के हिसाब से और ज्ञान के हिसाब से अर्थ करना पड़ेगा। तो इन दोनों ही बातों में बाहर जाके जैसे भी रहूँ तो क्या पाप नहीं बनेगा, वो ये पूछना चाहती है। दो नामों में पैर रख करके कोई चलेगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा? है एक नाव इधर जा रही है, एक नाव इधर जा रही है, दोनों में पांव रखा हुआ है, इधर भी रखा है इधर भी रखा है, और दोनों में चलेंगे तो रिजल्ट क्या होगा? कहते हैं कि दोनों नावों में चलना पड़ता है। क्यों चलना पड़ता है? जब हमारा बाप भी वही है, हमारा पति भी वही है, हमारा सर्व संबंधी भी वही है, हमारी सारी दुनिया कौन है? बाबा है। तो हम दो तरफ क्यों चले? माता है, ज्ञान में आई है, बाबा ने चुनी है, तो भगवान मेरी माता बहुत खुशी होती है। माताओं को पीछे रखा, वो कह रहे दुनिया में माताओं को पीछे रखा गया है। बाबा के ज्ञान में आई तो बाबा ने आगे रखा है, तो लेकिन अभी वो पूछ रहे हैं कि अभी दुनिया में रहना पड़ता है, दुनिया में चलना पड़ता है, तो क्या करें? मारो लात अंदर से, मारो लात बाहर से दिखा कर दो। अशोक वाटी का अवसर क्या है? अशोक वाटी का अशोक वाटिका का मतलब है सीता रावण की जेल में तो थी। तुम सब क्या हो? सीता हो। तो सब रावण की जेल में है या नहीं है? हैं। लेकिन अगर ज्ञान में पक्का पक्का चले तो शोक महसूस होगा, दुख महसूस होगा या नहीं होगा? बेफिक्र बादशाह बन के रहेंगे या फिक्र होगी? तो अशोक वाटिका में के रावण की जेल में है। आ माने नहीं, शोक माने दुख। ऐसी वाटिका, ऐसा बाग, ऐसा बगीचा जिसमें दुख है ही नहीं। ये शिव बाबा ने जो बगीचा तैयार किया है ब्राह्मणों का है। पूरी दुनिया में बाप की प्रशंसा कब होगी? पूरी दुनिया में बाप की प्रशंसा कब मानेगा? जब आपको निरंतर बाबा की याद रहेगी। दूसरों को क्यों सुनाते हो? पहले खुद तो ज्ञान के सार में टिक जाओ। ज्ञान का सार क्या है? बिंदु रूप में टिक। तो ज्ञान के सार में खुद टिके हुए हैं। अरे बाबा, कंचन काया जो होंगे उसको आप साइंटिफिकली कैसे प्रूफ करेंगे? कंचन काया जो होगा हम सभी आत्माओं का, उसको साइंटिफिकली कैसे प्रूफ करेंगे? बॉडी का जो कंचन काया होगा, सदगति होगी तो हम कोई रोग नहीं होगा। हाँ, साइंटिफिकली भी प्रूफ करेंगे। वही कंचन काया है जिसमें कोई रोग ना हो। दुनिया में जितनी भी शरीर है उनमें कुछ न कुछ रोग है या नहीं है? बिल्कुल। और जो मशीने हैं साइंस की, वो उस रोग को बता देती है कि नहीं बता देती? हाँ, बता देती। लेकिन जब कंचन काया बन जाएगी तो शरीर में कोई भी रोग नहीं है। लेकिन अभी जब शरीर बीमार है ना बाबा, तो अभी से कंचन काया स्टार्ट होना होगा, जैसे जैसे याद की यात्रा हमारी। अभी अभी पूरी पकी नहीं है, गरम घी में तेल में
जब पूड़ी डाली जाती है तो नीचे बैठ जाती है या नहीं बैठ जाती है? अभी नीचे बैठी हुई है तुम्हारे पुरुषार्थ की पूड़ी, जब पक जाएगी तब ऊपर आ जाएगी, तब ऊपर आ जाएगी। उन्नता के बारे में बोला गया, उन्नता हाँ, किसी को कुछ शिकायत होती है तो उसे उलहना कहते हैं। मतलब जिनको प्राप्ति नहीं होती है उनके लिए है, जिनको प्राप्ति नहीं हुई है उनके लिए उलहना कहते हैं। हाँ, उलहना रह गया माना कुछ अंदर से संतुष्ट नहीं है, कुछ असंतुष्टि है। दूसरे किसके लिए बोला है? नीलू बहन के लिए। यहाँ भी बोले थे आज जो वहाँ के लिए, यहाँ के लिए है या वहाँ के लिए है? अरे यहाँ के लिए जो भी मुरली चलती है ब्रह्मा बाबा के द्वारा, शिव बाबा की, या जो भी अभ्यर्थवाणियां चलती हैं, उनका लास्ट रिजल्ट जो है वो यहाँ से प्रत्यक्ष होगा या वहाँ बेसिक वालों से प्रत्यक्ष होगा? यहाँ से फिर। लेकिन अभी जो बोल रहे हैं ना उसके, वो अभी जो बोला गया है वो अभी के लिए बोला गया क्या? हाँ, हद और बेहद दोनों में चलता है, ऐसे थोड़े ही कोई आता हद में ही है। हद में भी अर्थ निकलते हैं, बेहद में भी अर्थ निकलते हैं। ये तो बुद्धि के विस्तार की बात है कि हम कहाँ तक बेहद में घुस पाते हैं। कोई काम करने जाता है तो आपस में सतर्क के लिए बातचीत होता है, एक ही होता है तो सतर्क होता है। कोई आपस में सतर्क के लिए बातचीत कर रहा है, अंदर अंदर ये हो सकता है, अंदर अंदर दो बातें चलती हैं, एक विपरीत बात भी चलती है, एक सपोजिशन एक अपोजिशन। हाँ, तो व्यक्त संकल्प उसे कहते हैं, समर्थ संकल्प उसे कहते हैं जो एक दूसरे के विरोधी हो। हमने अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छे कर्मों की रील जब हमारे अंदर घूमती है तो अच्छे संकल्प आते हैं, और बुरे कर्म जो किए हैं पूर्व जन्मों में उनकी रील जब घूमती है तो व्यर्थ संकल्प आते हैं। अब अच्छे और बुरे दोनों साथ साथ भी होते हैं। छात्रों के लिए जैसे ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे दान आता है ना। हाँ हाँ, तो अभी तो हर प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी के अंदर ब्रह्मा कुमारों की सोल भी तो प्रवेश कर रही है। अरे ये रुद्रमाला के मणके हैं या नहीं है? रुद्राक्ष के मणके हैं या नहीं है? उनमें एक मुख बोलता है या अनेक मुख भी बोलते हैं? एक मुख का मणका तो एक ही है, और बाकी कोई दो, कोई चार, कोई चार आठ। तो ये भूत प्रेत आत्माएं प्रवेश करके बोलती है, दो तरह की बातें हो जाती है। हमको कौन सी बात पकड़ना चाहिए? एक कौन सी? जो बाबा ने मुरली में बोला उसी बात को पकड़ना, जो ब्रह्मा बाबा ने अभ्यर्थवाणी में बोला उसी बात को पकड़ना। ब्रह्मा बाबा की वाणी का एक वाक्य भी ऐसा नहीं है जो मुरली को काटने वाला हो। पैरेलल चलता है या विरोध में चलता है, क्रॉस करके चलता है। बाबा, जो मामा के चित्र में लिखा हो वह दिखाते हैं कि पति पावन है, तो क्या बाबा भगवान भी पतित बनते हैं? पतित में आता है और वो पावन आता है। शिव पावन है और आता किसमें? पतित में आता है, तब प्रवृत्ति बनती है, और प्रवृत्ति जब बनती है तब ही सफलता होती है, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया? पतित पावन। बाबा, जो राम और कृष्ण की आत्माएं एक है या अलग अलग है?
नाम अलग अलग है तो काम भी अलग अलग है। काम अलग अलग दोनों आत्मा में किए हैं तो अलग ही अलग नाम है ना। बाबा का ये पॉइंट है कि सत्युग में विकार नहीं होता, और बाबा मुरली में ये भी कह रखा है कि सत्युग में प्रजा राजा से ईर्ष्या करते हैं। ईर्ष्या करते हैं, ये तुमने टीवी में देखा है, शास्त्रों की बात सुनी है या बाबा ने बताई? मिक्स कर देता है दर्शक दृश्य और दृष्टा में क्या अंतर है? दर्शक दृश्य और दृष्टा में क्या अंतर है? दृश्य में दर्शक दृश्य दृश्य और दृष्टा में क्या अंतर है? हाँ, वो चैतन्य है, दृश्य जड़ है, जड़ और चेतन का अंतर है। लेकिन अगर प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल पे देखना होता है नहीं कर पाते, चलते हैं लेकिन प्रैक्टिकल में नहीं कर पाते, संकल्प 80 पूरे चलते हैं, वो बोला है ना, हाँ 80 भी चलते हैं, तो जब भी हम अगर प्रैक्टिकल पे हम मतलब ट्राई करने भी बहुत कम होता है, मतलब प्रैक्टिकल में जो निकलता है मतलब संकल्प को अगर साकार करना है तो बिल्कुल खत्म होता है या धीमी गति पे होता है या इसका कारण है? चाहे अच्छे संकल्प हो चाहे बुरे संकल्प हो, अगर बहुत तीव्रता से किए जाएंगे तो अच्छे संकल्पों का रिजल्ट भी जल्दी आ जाएगा, और बुरे संकल्प भी बहुत तीव्रता से किए जाएंगे तो उनका रिजल्ट भी जल्दी आएगा। धीमी गति से जो संकल्प किए जाते हैं उनका रिजल्ट बहुत लंबे समय के बाद आता है। पहले संकल्प आता है, फिर वाचा आती है, फिर कर्मणा होता है। संकल्प बहुत तीव्रता से चलेंगे, मान लो कोई में भूत प्रवेश कर गया, अब वो भूत उसके अंदर बार बार संकल्प करता, मैं मर जाऊं मैं मर जाऊं मैं मर जाऊं, बार बार तीव्रता से संकल्प पैदा करता रहेगा तो क्या करेगा? पांचवी मार से नीचे गिर जाएगा। मेरे को तेरे को मेरे में कन्वर्ट करने का तरीका क्या? सब कुछ तेरा, कुछ नहीं मेरा। तेरा बनाने का तरीका क्या है? जब सब कुछ तेरा है तो किसकी सेवा में रहना चाहिए? लेकिन क्लास करके कहां भाग जाएंगे? कहां भाग जाएंगे? अब घर भाग जाएंगे। बाबा हाँ, जो मुझे याद नहीं करते हैं, जो मुझे याद नहीं करते हैं, उनको मैं याद क्यों करूं? उनको मैं याद क्यों करूं? ठीक है, फिर बाबा कहते हैं सेवाधारी बच्चों को बाप दादा याद करते हैं, सब डॉक्टरों में क्या समान है? कोई विरोधाभास नहीं है, मेरी सेवा वो ही करेगा जो मेरे को याद करेगा, याद नहीं करेगा तो मेरी सेवा भी नहीं करेगा, विरोधाभास कहां है? हाँ तो हो जाए तो क्या, तुमको क्या परेशानी है? तुमको खुशी हो रही है कि दुख हो रहा है? हैं? दुख हो रहा है। खेल होने से बचता कौन है? इस दुनिया में कोई ऐसा है जिसको माया फेल नहीं करती है? कोई हो तो बताओ। आदि में तो फेल होगी ना बाबा, आदि में तो फेल हुई ना, आदि में फेल हुई तो ज्यादा अनुभवी बन गई कि कम अनुभवी बने? अंत में अंत में ही जब माया की परीक्षा होती है तो सबको माया फेल करेगी या कोई रह जाएगा? सब
सबको मिल जाएगी। वैष्णो देवी आके उसे उठाती है, वैष्णो देवी आके उठाती है फिर बात। वैष्णो देवी फेल नहीं होती है? अगर फेल रुक जाओ, वैष्णो देवी फेल होती है कि नहीं? कैसे है? सबसे बड़ी सफलता, सबसे बड़ा पास होना, सबसे बड़ा ज्ञान, सबसे बड़ी परीक्षा तो अभी इस समय यही है कि बाप का पार्ट कौन सा है। माया उस बाप को हिलाती है। बच्चे कहते हैं ये बाप आया हुआ है, माया टूटी, ये नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता। कुंत का मतलब होता है उड़ने वाला पक्षी, क्या जो ज्ञान योग के पंखों से उड़ता है उससे बना है कुंती। गीता में शब्द आया है कि जो गीता को नहीं जानते, वो मेरे को नहीं जानते, गीता को नहीं मानते कि नहीं जानते, वो परम नीचे है, ऐसा शब्द आया है गीता में। जो गीता को नहीं मानते, गीता को नहीं मानते तो वो परम नीचे है, हाँ ऐसा शब्द आया गीता में। गीता माने ईश्वर का ज्ञान, ईश्वर ज्ञान को नहीं मानता है तो नीच होगा या ऊंच होगा? अरे ये हाथ वाले तो पढ़ भी नहीं पाए। चलो ओम शांति।